तो मैं ओवर हीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवर हीटिंग की हमें जो वार्निंग लाइट है वो हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है। अब मैं बात कर रहा हूँ जो इंजन हीट की। अब उसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप अपनी गाड़ी 2 या 3 किलोमीटर चलाते हैं, आप ये भी सोचते हैं कि गाड़ी तो ज़्यादा चल रही नहीं, इसे 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर चली है एंड गाड़ी गर्म हो रही है, आगे से आपको हीट महसूस हो रही है जब भी आप अपने फ्रंट एरिया में आते हैं या बम्पर की साइड आते हैं एंड आपको हीट महसूस हो रही है, तो उसका मेन रीज़न हो सकता है कि जो आपका रेडिएटर है उसमें कचरा जमा हो सकता है, जिसके कारण जो कूलिंग सिस्टम है गाड़ी का उस पर थोड़ा बहुत फर्क आ रहा होता है। अब रेडिएटर को आपको क्लीन करना चाहिए। अब वो कैसे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे सामने हमें रेडिएटर दिख जाता है एंड यहाँ नीचे भी। अब जैसे इसमें थोड़ा बहुत कचरा जमा हुआ है, ये आप प्रेशर वॉश करवा सकते हैं बाहर जाके, या फिर खुद से पानी पाइप लेके तेज इस पर प्रेशर से मार सकते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत कचरा इसमें साफ हो जाए एंड जो गाड़ी की हीट होगी वो बाहर आनी शुरू हो जाएगी। रेडिएटर साफ करने से आपके जो कूलिंग सिस्टम है गाड़ी का वो अच्छे से वर्क करने लग जाएगा एंड लॉन्ग रन में आपको इंजन चेक लाइट भी नहीं मिलेगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ओवर हीटिंग की एंड जो है लॉन्ग रन में हमारा इंजन ज्यादा ओवर हीट भी नहीं होगा। तो ये आप करें एंड अपनी गाड़ी की लाइफ और बचाएं।